नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। हम सभी सफलता पाना चाहते हैं लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझ नहीं पाते और जितने की आशा करते हैं उतना हमें मिल नहीं पाता है। लेकिन सही मार्गदर्शन अगर मिले, सही उपाय किया जाए तो जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें ज़रूर मिलेगा, कई बार तो आशा से भी अधिक मिल जाता है। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमेजा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य श्री, एक बार फिर से आपका सहयोग हमें मिल रहा है और बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा है और उनके प्रश्नों को हमने लिया है, तो देर न करते हुए इनके प्रश्न को लेते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो हरकेश सिंह जी पूछते हैं पंजाब से। ये कहते हैं, आचार्यवर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, कई वर्षों से लाल किताब का वर्षफल बनवाता हूँ, अब मुझे भी आधा लाल किताब आ गया है। और ये कहते हैं, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे आज से 40 वर्ष पहले किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आपका गज केसरी योग है और आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा है। अब ये 70 साल के हो गए हैं लेकिन कह रहे हैं अभी तक तो पैसा आया नहीं, तो क्या सच में गज केसरी योग होता है? मेरा प्रश्न अपने प्रोग्राम में ले सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया हरकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मेरी कुंडली में राजयोग है जी और राजयोग फलित नहीं हुआ आज तक जी। गज केसरी योग जी। मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जी। मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, सब जानते ही हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सॉफ्टवेयर फील्ड से। जब मैंने ज्योतिष को सीखने के लिए लोग ढूंढने चाहे कि मैं किस से सीखूं, माइंड में एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें आ गई और कहते हैं ज्योतिष जो होता है ना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपने आप रास्ते बना देता है जी। तो हमें एक विद्वान मिले जो वैदिक ज्योतिष करते थे, तो 2-2.5 महीने में उनके साथ रहा, थोड़ा उनका कंटेंट देखा, उनकी चीज़ें देखी। तो एक दिन वो मुझे बोले अपनी कुंडली दिखाओ। मैंने उनको अपनी कुंडली दिखाई, ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के मित्रगण हैं वो सब इस चीज़ को जानते हैं जी। मेरी मंगल की दशा शुरू हुई उस समय और कहते हैं मंगल आपकी कुंडली में ना अकारक ग्रह है, माने कुंभ लगन की कुंडली हो तो मंगल उसमें अकारक ग्रह बन जाता है जी। और मंगल की दशा आपकी अच्छी नहीं है, आपको ज्योतिष ज्योतिष से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं जी। मैंने कहा ठीक, तो आज तो बहुत सक्सेसफुल है, इनफैक्ट बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन आपसे सलाह ले रहे हैं। यही आपको बताना चाह रहा जी कि देखते देखते हमने गुरुकुल स्टार्ट किया और गुरुकुल एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन गया जी। आज पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट सीखते हैं, 6,000 से ज्यादा फॉलोवर्स यानी कि स्टूडेंट जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न को यूज कर रहे हैं आज। और मजे की बात यह कि जिन लोगों से मैं शुरू में कनेक्टेड रहा उनमें से भी काफी सारे जो लोग थे विद्वान थे वो कोर्सेज करके गए। देखिए, एक सूत्र होता है, यानी कि अगर मेरा मंगल अकारक था तो जरूरी नहीं है कि वो बुरे रिजल्ट देगा जी। माने जैसे हरकेश जी ने पूछा कि मेरी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति इन दोनों से गज केसरी बनता है, तो स्वाभाविक है उनकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा होगा जी। तो उनको विद्वानों ने बताया आपका तो गज केसरी योग है और गज केसरी योग जो होता है वो बहुत पैसा देता है। गज केसरी के बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं। गज माने हाथी और केसरी माने सोना, स्वर्ण जिसको बोलते जी। और गज माने सबसे महंगी सवारी मानी जाती है, हाथी माने सबसे महंगी सवारी जी। और सोना माने हमारे जितने भी लेन देन के मेथड होते पहले सोना ही चलता था और सबसे ज्यादा महंगी धातु है। तो सोना चांद, सोना और हाथी जिसके पास होगा वो अमीर ही होगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। अब जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे हैं या चंद्रमा और बृहस्पति आपस में केंद्र का योग बनाते हैं, यानी कि चंद्रमा से बृहस्पति पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या दसवें घर में हो, तो गज केसरी का योग बनता है। यानी कि आपने कुंडली देख के बताया कि आपका तो गज केसरी राजयोग बनता है और आपको तो माला वाला होना चाहिए जैसे साहब को बताया जी, लेकिन आज तक फलित नहीं हुआ। तो मेरा वाला स्टोरी कि मेरा मंगल तो खराब करेगा। या मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, योग है ये कुंडली का सूत्र बताता है, लेकिन उस ग्रह का नक्षत्र क्या कहता है, उस ग्रह का उपनक्षत्र क्या कहता है, अगर आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं ना तब आपको पता लगेगा कि ये योग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपका चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली में इकट्ठा है तो एक योग बना दिया, लेकिन अगर चंद्रमा का नक्षत्र और उपनक्षत्र आपका 8वें घर और 12वें घर को कनेक्ट कर रहा है और बृहस्पति का भी 8वें घर को और 12वें घर को कनेक्ट कर रहा है या 6ठे घर या 12वें को, यानी कि खराब है जी,
तो ये दोष ना हो के अब ये दुर्योग हो गया, यानी कि ये किसी काम का नहीं है। कैसे? जैसे अंधे धृतराष्ट्र जी हस्तिनापुर नहीं चला पाए ना, नहीं, युद्ध भी हुआ, यानी कि राजा हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है जी। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में भी कोई योग बनता है तो आप पहले उसके नक्षत्र को देखिए, उसके उप नक्षत्र को देखिए कि वो देने क्या आया है। अगर वो योग का नक्षत्र और उप नक्षत्र आपको दसवें घर और ग्यारहवें घर की तरफ ले जाता है तो ये जो योग है वो माला माल होएगा और फलित होएगा। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ, मेरा मंगल का नक्षत्र दसवें घर को इंडिकेट करता था और ग्यारहवें घर को करता था, और उपनक्षत्र भी ग्यारहवें घर को इंडिकेट करता था। तो इतने कम समय में इतना अच्छा मान सम्मान प्राप्त हुआ, एक अच्छे बैंक फॉलोइंग बनी, आज कॉर्पोरेट्स भी जुड़े हुए हैं, एक नई टेक्नोलॉजी को भी लेके आए ज्योतिष में। तो हमेशा किसी भी योग को आपको नहीं देखना, उस योग की बारीकियों को देखना। तो राकेश जी आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि आपके योग को जिसने पढ़ा वो करेक्ट पढ़ा, लेकिन उस योग की पावर कितनी थी, उसके अंदर ताकत कितनी थी, शायद वो उसको पढ़ना भूल गए जी, जिस वजह से आपका ये संपूर्ण नहीं हो पाया। तो आचार्य श्री, इस योग के बारे में आपने कहा कि योग बनते हैं वो कारगर नहीं होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का बहुत अच्छा योग बन रहा है अब वो कारगर ना हो, तो कोई ऐसा उपाय है कि कारगर हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसमें उपाय नहीं होता जी। हम क्या कहते हैं, इसको रिवर्स थेरेपी में यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी का योग बन रहा है जी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली वो योग दुर्योग है, हमारे अकॉर्डिंग वो योग दुर्योग है। अब वो चाहता है कि मेरे को तो पंडित जी ने बोला या किसी शास्त्री ने बोला है कि मेरा समय बहुत बढ़िया आने वाला है, और हमें पता है कि इसका अब समय खराब आने वाला है। तो हम कोई भी उपाय करके उसके पीरियड को बढ़िया नहीं कर सकते, हम जो पीरियड उसका खराब हो रहा है ना उसमें कमी कर सकते हैं, माने उसके लॉसेज में कमी कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। नहीं तो हर ज्योतिषी सबकी काया पलट देता, बिल्कुल नहीं पलट सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और 20% भी हमें उसमें समाधान मिल गया तो ये बहुत बड़ा समाधान होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमेशा चमत्कार होते रहे, मिरेकल्स होते रहे। इसीलिए हमारा खाली हिंदुस्तान में ना बल्कि पूरे आज संसार के अंदर ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़ी हुई जितनी भी विद्याएं हैं उनको आज प्रमाण मिला है, उनको आज वैल्यू मिली और लोग उसको यूज़ करते हैं जी। बिल्कुल, तभी तो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और आपसे सजेशन ले रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा समय है, कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, और आप एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आचार्य श्री से काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज से संबंधित काउंसलिंग भी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें, या आप चाहें तो हमारे जो वेबसाइट के एड्रेस दिए हैं उस पर विजिट कीजिए, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं और उसके माध्यम से आप अपनी समस्याएं हैं उसका समाधान पा सकते हैं, या इन विषयों में अपना करियर भी बना सकते हैं, या जानकारी के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो आचार्य श्री, लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए एक और प्रश्न है, और खुशी जी पूछती हैं, उनकी समस्याएं हैं और उसका समाधान चाहती हैं। और इन्होंने कहा है कि मेरी जो जन्मतिथि है वो है 6 अप्रैल 2002, और जन्म का समय सुबह के 8:02 पर, इनका जन्म स्थान गुड़गांव है। ये कहते हैं, गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम खुशी है, मुझे ज्योतिष में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन मेरे पापा आपका प्रोग्राम देख रहे थे तब मैं भी बैठ गई। और आगे कहती है, और आपका बताने का तरीका, समझाने का आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मैंने आपका प्रोग्राम मिस नहीं किया और अपने फ्रेंड्स को भी उसके बारे में बताया। मेरा एक प्रश्न है, ये कहती है कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, मैंने वहाँ पर पेपर भी क्लियर कर लिया है, क्या मेरा वीज़ा और PR हो पाएगा, क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए या नहीं, पूरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो संस्कार चैनल के दर्शकों को नमस्कार, उनका अभिवादन है जी, क्योंकि आज उनके थ्रू जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं भी रखते थे वो भी देख रहे हैं जी। बिल्कुल, जो खुशी ने बताया, खुशी आप कनाडा जाना चाहते हैं, आपकी मंगल की दशा चल रही है, और मैं बार बार नक्षत्र और उप नक्षत्र की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और दर्शकों को समझाते हैं। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, और हमारी यात्राएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा और विदेश यात्रा। बड़ी यात्रा तो है ही, साथ में उसका सेटलमेंट का जी, माने अगर हम थोड़े दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं, आजू बाजू जा रहे हैं, तो हमारा तीसरा घर इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर हम लंबी यात्रा कर रहे हैं तो नौवां घर इन्वॉल्व होता है।
अगर हम विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं और वहां सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो 12वां घर वहां पर इन्वॉल्व होता है। तो आपके चार्ट में तीसरा घर, 9वां घर और 12वां घर ये इंडिकेट तो करता है, लेकिन मंगल की दशा के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट नहीं करता। बट आप पढ़ने जा रहे हैं, मैंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चार्ट बहुत अच्छा है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पर जा रहे हैं, देखिए ट्रैवलिंग का ना उद्देश्य होता है जी, मैं घूमने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं या मैं सेटलमेंट के लिए जा रहा हूं जी। तो हमें हर बारीकी से देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अभी ट्रैवल का बहुत संपूर्ण योग तो दशा के अंदर नहीं। मंगल के अंदर शनि चल रहा है जो 12वें घर को इंडिकेट करता है, यानी कि आपकी भुक्ति आपके दशा को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है जी। अब जो वीजा होता है और पीआर होता है, जितने भी हमारे कागज होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा जितना भी ट्रैवलिंग सिस्टम हो गया, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, ये सारा होता है तीसरा घर जी, थर्ड हाउस। अगर आपको कभी भी वीजा का सपोर्ट चाहिए, आपको पीआर का सपोर्ट चाहिए, आपको ट्रैवलिंग का सपोर्ट चाहिए, आपको यूट्यूबर बनना है ना, आपको सोशल मीडिया का कुछ काम करना है, तो आपका तीसरा घर बहुत ही प्रबल होना चाहिए। तो आपकी कुंडली में तीसरा घर बहुत प्रबल है, लेकिन वो छठे और आठवें घर के साथ कनेक्टिंग है, लेकिन उसकी भुक्ति बहुत सॉलिड है और अंतरा भी बहुत सॉलिड है। तो कनाडा तो आप पहुंच गए, 1% टेंशन नहीं है, लेकिन आपके वीजा और पीआर के डॉक्यूमेंट में एक आध रिजेक्शन जरूर आएगा जी, और उसके बाद आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। आपको जाना चाहिए। एक हिदायत यहां पर आपको मैं देता हूं, आपकी जो कुंडली है वो नाबालिग बनती है। नाबालिग का मतलब होता है कि ऐसी कुंडली जहां पर हमेशा किसी न किसी बड़े व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता है। तो आप जब भी जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण काम करें या महत्वपूर्ण कार्य ना भी हो, कोई भी कार्य करना हो, तो हमेशा सलाह लेके कीजिए। तो आपको एक आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी कुंडली का जो एक दुर्योग है वो भी कन्वर्ट होएगा। आप अपने माता से, पिता से, भाइयों से, किसी से भी सलाह ले सकते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं है तो आप कंप्यूटर से भी सलाह ले सकते हैं कि हे कंप्यूटर जी, मैं ये काम करने जा रही हूं, कर लूं, तो भी वो सलाह मानी जाएगी जी, तो जिससे आपका ये एक छोटा सा उपाय भी हो जाएगा। तो आपका मंगल, शनि और चंद्रमा का इस समय पीरियड चल रहा है। 15 अक्टूबर 2022 से आपका चंद्रमा अंतर दशा के अंदर आ गया, जिसको हम लोग अंतरा बोलते हैं, यानी कि मंगल की दशा है, शनि की भुक्ति और चंद्रमा का अंतरा। ये आपको 100% वीजा और पीआर मिले जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा पीरियड आपका टफ था, तो इसी वजह से आपके मन में कुछ क्वेश्चन जाहिर हुए होंगे। एक दो छोटे छोटे उपाय आपको और करा देते हैं। जाने से पहले एक खाली मटका लीजिएगा, पानी वाला मटका जी, और उसके ऊपर ढक्कन रख के उसको बड़ी इज्जत से, एक इतना बड़ा प्यार मोहब्बत से उसको जल में प्रवाह कीजिएगा, बहते पानी में, ये करके जाइएगा। और चार श्रीफल जो नारियल होते हैं पूजा वाले, उनको अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के जल प्रवाह कीजिएगा। ये दो छोटे छोटे आप उपाय कीजिए और आप बिल्कुल जाइए, ईश्वर आपको हर कार्य में सफल करें जी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि योग है आपका, और जैसा कि आचार्य ने कहा सलाह बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और अभी अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आपका समय बचेगा, क्योंकि कोर्सेज और सारी चीज़ें अगर सुचारू रूप से चलने लगेंगी तो कुछ आपको प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। तो जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में आप कोर्सेज कर सकते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आप आचार्य से अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, उनसे उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो भी नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उनसे बात कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी काउंसलिंग आप ले सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट एड्रेस दिया गया है उस पर भी आप विजिट कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उसके माध्यम से आपकी जो जिज्ञासा है, जो शंका है, उसका समाधान आपको मिल सकता है। तो आचार्य श्री, अभी जो अगला प्रश्न है वो हम जानना चाहेंगे कि कई लोग हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है और जन्म की तिथि भी उन्हें पता है और समय भी पता है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको नहीं पता उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रॉपर समय नहीं पता है, तो वो लोग कैसे ज्योतिष का फायदा उठाएं, कैसे जाने क्या होने वाला है, क्या उपाय? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और समय नहीं है जी, एक कैटेगरी तो ऐसी बनती है। एक है कि जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ है लेकिन समय में थोड़ा सा आगे पीछे है जी, माने 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का डिफरेंस है।
तो हमारी क्लासेस में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके हम लोग एक इवेंट यानी कि ये वाला चैप्टर कराते हैं, जिसमें आप अपनी कुंडली के टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं आपके लाइफ के इवेंट के बेस के ऊपर। और जिनके पास बिल्कुल भी डिटेल नहीं है और अगर उनके मन में कुछ शंका है या कोई समस्या है, किसी समस्या को वो सुलझाना चाहते हैं, कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र नाम की एक विधि होती है जी। यानी कि इस समय अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो आपका सब लॉर्ड, आपके प्लैनेट, आपकी राशि, वो किस प्रकार से कुंडली बनाएंगे, उसमें आपका एक उत्तर दिया हुआ होगा। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और डॉक्टर को उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कहता है लैब टेस्ट करवा के आइए जी। तो वो अपना ब्लड देता है, अपनी एक टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है, डॉक्टर क्या करता है उसको रीड करता है जी। सेम आपका ही प्रश्न होएगा, आपका ही उत्तर होएगा, माने आप अपना प्रश्न पूछेंगे और आप ही अपना उत्तर देंगे। हम क्या करेंगे, वो एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको बता देंगे कि ये क्या आने वाला है इस समय। तो इसको होरेरी टेक्निक बोलते हैं। और प्रश्न शास्त्र के बहुत और भी एक अन्य मेथड होते हैं कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ तो समय नहीं है और किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को आप लेना चाहते हैं तो प्रश्न शास्त्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। और अगर आपके टाइमिंग में कुछ आगे पीछे है जी, तो हम क्या करते हैं, आपकी लाइफ की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे आपकी शादी हुई, बच्चा हुआ, नंबर कितने आए, 12th में कितने नंबर आए, 10th में कितने आए, कभी कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई, हेल्थ खराब तो नहीं हुई जी, या कई बार ऐसा होता है कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जितनी भी आपकी मेजर मेजर घटनाएं हैं वो आपको बोलते हैं लिख दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करने के बाद उनको मैच करते हैं जी। क्योंकि कोई भी ऐसे साइंटिफिक मेथड नहीं है कि बटन दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, आपके इवेंट से इवैल्यूएट करके उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा जी। तो कई बार 20-25 मिनट के गैप में क्या होता है, तीन पैचेज मिलते हैं हमें कि 22 मिनट का भी समय हो सकता है, 24 मिनट का भी समय हो सकता है, 27 मिनट का भी हो सकता है। तो जिन समय के ऊपर आपकी लाइफ के इवेंट सबसे ज़्यादा मैच करते हैं वो टाइम आपका सबसे सुटेबल होता है। ऐसे BTR करने के बाद फिर कुछ आगे के समय के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं उस समय के अकॉर्डिंग जी। वो आपसे अगर मैच करती हैं तो आपका पूरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कवर हो जाता है। तो जिनके पास टाइम नहीं है वो अगर कंसल्ट करना चाहें तो प्रशास्त्र से कंसल्ट कर सकते हैं, जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहे वो भी कर सकते हैं। और क्लासेज में तो हम ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट को समझाते हैं जी। बिल्कुल, तो देखा आपने कि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या प्रॉपर समय नहीं है तो भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। ये कब हम जानेंगे, जब हम ज्योतिष के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, बहुत कम समय है एडमिशन लेने का। तो देर मत कीजिए, जो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी जिज्ञासा है एडमिशन से संबंधित उसके बारे में जान सकते हैं, या अगर आपकी कोई समस्या है उसका समाधान आप पाना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आचार्यश्री से काउंसलिंग ले सकते हैं, वीडियो के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आचार्यश्री, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।